पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर लाए हैं फुलवारी कक्षा 4 पाठ 7 मलेथा की गूल कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए अधूरे वाक्यों को पुस्तक से देखकर पूरा करें। इसको किताब से देखकर भरना है। तो पहला है, जब तक मेरे शरीर में, इसके बाद खाली जगह है, पानी लाने का प्रयास करूंगा, तो यहाँ भरेंगे, रक्त की एक भी बूंद रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर, इतना इसमें भरना है। दूसरा प्रश्न है, उसने दिन रात एक करके, तो यहाँ भरना है, गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। तीसरा प्रश्न है, आज भी मलेथा के, फिर खाली जगह है तो यहाँ भरना है, साग सब्जियों से भरे खेत, माधव सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं, ये इतना यहाँ भरना है। अगला प्रश्न है, घ कार्य कठिन तो है, फिर खाली जगह है तो इसमें भरना है, लेकिन असंभव नहीं, सोचो ऐसा होने पर हमारे गांव का, फिर यहाँ है कितना, ये गलत हो गया है, भरना यहाँ नहीं होगा, भला, कितना भला होगा, इस तरह से इसको भर देंगे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, इसको मिलाएंगे, इधर शब्द है, इसका अर्थ इधर दिया हुआ, श्रृंखला, श्रृंखला मीन्स होता है कतार। अगला है तीव्र, तीव्र मीन्स तेज, इसको तेज से मिला देंगे। साकार, साकार का अर्थ है पूरा होना या पूर्ण होना, इससे मिला देंगे। प्रयास, प्रयास मीन्स होता है कोशिश, इससे मिला देंगे। दुष्कर, दुष्कर का अर्थ होता है कठिन, इससे मिला देंगे। और गूल, गूल मीन्स होता है पानी की नाली, इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, पानी के 4 उपयोग लिखें। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने 4 उपयोग लिख दिया है। पहला है कपड़े धोने में, दूसरा कृषि में, तीसरा बिजली बनाने में और चौथा नहाने में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो लिखना है, जैसे पहाड़ है तो इसके पर्यायवाची हैं पर्वत और भूमिधर। दूसरा है नदी, नदी का सरिता और तरणी। तीसरा है खेत, खेत का पर्यायवाची है भूमि और क्षेत्र। इसके बाद है पानी, पानी का पर्यायवाची नीर और जल, और भी होते हैं, उसको आप दूसरा भी लिख सकते हैं। अगला, उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को रिक्त स्थान में लिखिए। तो ये वाक्य दिया गया है, यहाँ जहाँ उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाना है, जैसे बिहार राज्य के गया जिले में गहलौर गांव है, यहाँ पूर्ण विराम लगाना है। वहाँ दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति थे, यहाँ भी पूर्ण विराम लगाना है। उन्होंने पर्वत काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया, यहाँ भी पूर्ण विराम लगाना है। इस रास्ते को दशरथ मांझी पथ, इसको कॉमा में लिखेंगे, के नाम से जाना जाता है, इस तरह से इसको विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, 6 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें उत्तर लिखना है, दशरथ मांझी कहाँ के रहने वाले थे, इसका उत्तर है बिहार राज्य में गया जिले के गहलौर गांव के। दूसरा प्रश्न है, मलेथा गांव की समस्या क्या थी, उत्तर है सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था। अगला प्रश्न है, माधव सिंह ने क्या प्रतिज्ञा की, तो उसने क्या प्रतिज्ञा की थी, उत्तर है जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा, ये उसने प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें धरती, धरती का विलोम है आसमान। दूसरा है कठोर, कठोर का विलोम है कोमल। तीसरा है दिन, दिन का विलोम है रात। और अगला है संभव, संभव का विलोम असंभव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8,
पानी के उपयोग से संबंधित शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पानी का ये उपयोग लिखा हुआ है, स्नान करना, यहाँ और लिख देंगे सिंचाई, बिजली बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, भोजन पकाना, आप अपने हिसाब से और भी लिख सकते हैं और इसका इसी तरह से प्रयोग भी हो जाएगा। पहला है पानी से स्नान करते हैं, स्नान का प्रयोग हो गया। पानी से फसलों की सिंचाई की जाती है तो सिंचाई का प्रयोग हो गया। पानी से बिजली बनती है, इसका प्रयोग हो गया। पानी से बर्तन तथा कपड़े धोते हैं, इनका उपयोग हो गया। पानी का प्रयोग भोजन पकाने में भी किया जाता है तो इसका प्रयोग हो गया। इस तरह से आप और भी शब्द लिखकर यहाँ और उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।